छठ व्रतियों ने अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की है। 36 घंटे से निर्जल उपवास कर रही छठ व्रतियों का उपवास समाप्त हुआ। छठ घाट पर लोगों ने बम पटाखे फुलझड़ी फोड़कर खुशियां मनाई। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छठ पर्व तो पूरे बिहार के बिहारी लोग बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वहीं बिहारी लोग यदि बिहार नहीं पहुंचते हैं तो दूसरे राज्य या देश जहां भी रहते हैं वहीं पर छठ पर्व मनाते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आपको बताते चले कि बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत जहांगीरपुर पंचायत स्थित जहांगीरपुर ग्राम के छठ व्रती श्रद्धालु ने बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व के आज अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की। वहीं छठ घाट पर बच्चे से लेकर जवान लोगों ने भी विभिन्न तरह के बम पटाखे फुलझड़ी फोड़कर खुशी का इजहार किया है। छठ पूजा सम्पन्न होने के बाद 36 घंटों से व्रती महिला का चल रहा निर्जला उपवास भी समाप्त हो गया है। इतने महान छठ जैसे पर्व में पंचायत के जनप्रतिनिधियों में मुखिया के प्रतिनिधि को नहीं देखा गया है। लोगों ने बताया कि छठ घाट के साफ सफाई एवं सजावट कार्य अपने अपने निजी कोष से किया है, जबकि दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड के सभी मुखिया को निर्देश पत्र जारी कर दिए हैं कि सष्टम योजना के तकरीबन 50,000 रुपए में पूरे पंचायत में छठ घाट के निर्माण साफ सफाई कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज।